नैनीताल के रूशी गांव में पानी की दिक्कत को लेकर गांव वालों ने डीएम कार्यालय का घेराव किया और गांव में पानी की आपूर्ति की मांग की। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में पानी न आने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पानी लेने के लिए गांव से करीब 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। मामले को लेकर गांव वालों ने चेतावनी दी है कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो डीएम कार्यालय में आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। विभाग द्वारा, प्रशासन द्वारा आज तक कोई सुध नहीं ली गई, जिस कारण आज गांव के लोगों को, महिलाओं को बाध्य होना पड़ रहा है। आज हमारी स्थिति यह है कि सारे काम छोड़ के कम से कम 2-3 किलोमीटर पैदल चल के पानी लाना पड़ रहा है। प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को, सरकार को कोई सुध नहीं है। और मैं इस माध्यम से आप ये चेतावनी भी देना चाहता हूं, अगर हमारी पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं की जाएगी तो चाहे मुझे आमरण अनशन में बैठना पड़ेगा, इस जिला प्रशासन, इस जिला डीएम ऑफिस में बैठना पड़ेगा, हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।